महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें शासकीय योजनाओं की जानकारी देने, जागरूक करने खुर्सीपार के वार्ड 46 और 45 में महिलाओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से महिला कांग्रेस नेता और समाज सेवी राजू चंदा उपस्थित हुए। यहाँ महिलाओं को सशक्त बनाने इनके द्वारा जानकारियां प्रदान। महिलाओं के सशक्तिकरण, महिला समूह के गठन, उन्हें स्वरोजगार मूलक शासकीय योजनाओं की जानकारी देने, महिला कांग्रेस नेता राजू चंदा द्वारा निरंतर विभिन्न वार्डों में महिलाओं की बैठकें ली जा रही हैं। पहली बैठक हाउसिंग बोर्ड सूर्यकुंड तालाब, दूसरी बैठक कुरुद और तीसरी बैठक खुर्सीपार के वार्ड 45 और 46 में ली गई। सभी बैठकों में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। बैठक में राशन कार्ड, पेंशन, नोनी योजना, महिलाओं के लिए भवन, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ, बाल विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई और अपनी मांगे जनप्रतिनिधियों और शासन तक पहुंचाने निर्णय लिया गया। वार्ड 46 में हुई बैठक की जानकारी राजू चंदा ने दी। मैं राजू चंदा बोल रही हूँ। पहले मैं महासचिव थी, अभी महामंत्री हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इन महिलाएं, पता नहीं है कि इतने सारे तकलीफ में हैं कि उन लोग क्या है पता नहीं है, जो ये महिलाएं लगातार जुड़े जा रही हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ प्रशासन की तरफ से कि उन लोगों के लिए, जो ऐसी महिलाएं हैं जो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले उस सरकार को प्रणाम करके, मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी को, जो हमारे विधायक हैं देवेंद्र यादव जी, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे जिला जो है सुभद्रा मैडम है, जो फूलो देवी है, मैं उन सब लोगों को यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं आज इतनी पीड़ित हो गई हैं कि उनके पास में ना, आज देखो अब मुझे भी रोना आ रहा है इन लोगों को देख के कि बेचारे मैदान में बैठे हैं अनाथ की तरह, जबकि इन लोगों को एक भवन होना चाहिए था, वो भवन नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ से गलत है इन लोग। जब हम इलेक्शन में आए थे तो इन लोगों को बहुत सारे ऐसे वादा किया कि आप लोग को कुटीर उद्योग खोल के देगी हमारी सरकार, आप लोगों को पेंशन मिलेगा, जो नहीं मिल रहा है। जिन लोग बहुत सारी ऐसी है विधवा महिला, जो गरीब महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है। तो वो मैं चाहती थी कि इन लोगों को सारा चीज़ मिले और भवन मिले, ताकि इन लोगों का एक खुद का कार्यालय हो और इन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर हो जो बाल विकास के लिए। तो मैं वो जो सारे जितने भी बड़े अधिकारी हैं हमारे, जो नेता लोग हैं, जो बड़े इसमें हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि ये महिलाओं के लिए आज 1000 महिला यहाँ पे हैं अभी खुर्सीपारा 46 नंबर में, जगदीश्वर के नंबर घर में, इधर आयु एरिया में, जो ये महिलाएं 100-100 महिलाओं को समिति बना करके इनका एक वो है। तो मैं चाहती हूँ कि इन महिलाओं को जगह तो दिया है मैं, लेकिन सरकार से मेरा निवेदन है कि इन महिलाओं को जो अधिकार है, ये छोटी सी अधिकार है, जो चार जो इन लोग अपने लिए भवन मांग रहे हैं जो इनका अधिकार है, जो पेंशन मांग रहे हैं इनकी अधिकार है, और जो इन लोग बाल विकास मांग रहे हैं वो इनका अधिकार है। हमारे देवेंद्र यादव जी बोले थे कि मैं आप लोगों के लिए बाल विकास दूंगा, मैं उनके पास गई थी। ये इन लोग तो अभी बोल रहे हैं बाल विकास के लिए, मैं तो 15 दिन पहले ही बाल विकास के लिए बात कर चुकी हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि देवेंद्र यादव जी से, जो हमारे आदरणीय जो विधायक है, जो हम सब महिलाओं के लिए ज़्यादा सोचते हैं और उनके वार्ड में भी बहुत सारा काम किया है, तो मैं अपने बेटे से ये कहना चाहती हूँ कि बेटा देवेंद्र यादव जी, आपको इस माँ के लिए, इन महिलाओं के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, और ये जो मेरा जो इन लोगों के प्रति जो भावना है वो आप पूरा करिए। और मैं उन 70 वार्डों के जो पार्षद लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि आपके वार्ड में उन महिलाओं का राशन कार्ड नहीं बना है, जिन लोगों का पेंशन नहीं, वो जो क्या क्या है आपके इसमें, वो सारा हो, और महिलाओं को ये अधिकार भी दिया जाए कि अपने अपने वार्ड का वो सफाई करने का, जो हमारे नगर निगम में जो महापौर बने हैं वो, उन्होंने अपने वार्ड में इतना अच्छा काम किया है कि आज वो महापौर बने हैं। तो मैं उस महापौर से निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके जो नगर निगम में जो भी सफाई का योजना आता है तो वही समिति को दिया जाए, ताकि वो अपना घर को अच्छा साफ करती हैं तो अपने मोहल्ले को भी साफ करके रखेगी। और ये मुझे आश्वासन है, क्योंकि मैं इन महिलाओं से मिली हूँ, तो उनका कहना है कि आप लोग हम ये भी अधिकार दो हम लोगों को। जो अभी जो हमारे सरकार है, जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक अभी घोषणा करे थे कि नोनी योजना के लिए, तो मैं उस वो चाहती हूँ कि इनके बीच में वो नोनी योजनाएँ भी, हमारी जो रेल पटरी की इस तरफ पे महिलाएँ हैं उन लोगों के लिए भी ये सारी योजनाएं दी। तो बस उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि वो हमारी सारी मांगे को पूरा करें और जल्द से जल्द ये महिलाओं के लिए कुछ आगे बढ़ के करें।
बैठक में उपस्थित महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं अजय प्रभा सिंह बोल रही हूँ, वार्ड 46 से मिनी माता नगर से बोल रही हूँ। मैं आदरणीय चंदा माँ से कुछ कहना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए जो सहयोग कर रही हैं चंदा माँ, जैसे इलेक्शन के समय बोला गया था कि महिला पेंशन योजना, महिला कुटीर उद्योग योजना और बाल विकास के लिए और सुकन्या योजनाओं के बारे में बताया गया था, और जिससे हमारी पूरी महिला अम्मा की बात सुनकर और पूरी 1,000 नहीं आज के डेट में 10,000 महिला इकट्ठा हुई है और इनके राय से सब खुश है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग ये है कि महिला पेंशन योजना जरूरी है, दूसरा हमारे कुटीर उद्योग के लिए, और तीसरा सुकन्या योजना, और चौथा है बाल विकास योजना। ये मांगे हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हमारी जो 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम सब गरीब घर से बिलोंग करती हैं, तो क्या सरकार हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर सकती? तो वही गुहार है हमारा, अम्मा जी को सामने रखते हुए और अम्मा जी की प्रेरणा को आगे करते हुए हम लोग इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं और हम लोगों की मांग को पूरा करें। मेरा नाम जी सरस्वती रेड्डी है। मैं महिलाओं की समिति के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। उनकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, आज तक सभी कहते हैं कि महिलाओं के ये कर देंगे वो कर देंगे, जब से हम चंदा माँ से जुड़े हैं उनकी जो भी बातें सुने हैं हमें बहुत अच्छा लगा, प्रेरित लगा है। हम चंदा माँ से ये कहना चाहते हैं कि माँ, अगर आप हमारे लिए आगे आए हैं तो हमारी ये कुछ योजनाएं हैं जो आप पूरा कर सकते हो, ऐसा उम्मीद है। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो जो मांगा है, जो भी मांग है वो पूरा करें। एक तो कुटीर उद्योग हमारे लिए महिलाओं के लिए भवन नहीं है, हर जगह दुर्गा मंच, गणेश मंच सब बना जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए आज तक कोई भवन नहीं बना जो कि महिलाएं कुछ समस्याएं ले जाके कि कुछ बता सके, ऐसे हम लोग के लिए भवन चाहिए। सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि महिलाएं हमारी समस्या जो भी है हमारे पास आके बताए, जो चंदा माँ के थ्रू हमारा जो भी समस्या हम बताते हैं तो अम्मा के थ्रू से हमको लगता है कि हमारे जो भी कामना है, जो भी बातें हैं वो पूरा कर सकती। वही वार्ड 45 में हुई बैठक को लेकर महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे निवेदन करते हैं कि आज बहुत दुखी हो रहा है मुझे, मैं एक महिला होते हुए, कि आज हमारी महिला की ये दुर्दशा है कि वो रोड में बैठी है, जो बाहर बैठी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इन लोगों के लिए एक भवन दिया जाए, इन लोगों के लिए कुटीर उद्योग खोल के दिया जाए, इन लोगों को पेंशन दिया जाए, और इन लोगों को जो नोनी योजनाएं आई हैं वो सारे इन लोगों को दिया जाए। तो मैं उन सारे अधिकारी या सारे सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग आगे आइए और इन महिलाओं के लिए आप लोग थोड़ा सा कुछ करिए, तो मेरा भी सम्मान रहेगा। एक माँ को आपने आदर दिया, तो ताकि आप लोग देवेंद्र यादव जी से मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, क्योंकि वो सारी महिलाओं के लिए पहले खड़े रहते हैं। तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने बेटे से कि ये जो आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी लोग हैं, उनके लिए आप आगे आइए बेटा और इनके लिए करिए। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये इन सब की आवाज़ है। तो आप प्लीज़ आइए बेटा और इन लोगों के लिए जो चाहिए आप उन लोगों को दीजिए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ। हम प्रतिमा बेहरा, मैं 45 नंबर वार्ड से आई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा महिला का एक चार मुद्दा है। एक है महिला लोगों को पेंशन योजना नहीं मिल रहा है, एक है और बाल योजना वो भी नहीं हो पा रहा, कुटीर उद्यक्ष महिला को चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, और महिला लोग कहीं भी देखो आज महिला का भवन नहीं है बोल के ग्राउंड में बैठ के हम लोग मीटिंग वीटिंग जो भी लेना है लेते हैं खुले में, लेकिन हमारा के लिए भवन एक नहीं है, भवन एक चाहिए। मैडम से आपकी क्या अपेक्षा है? राजू चंदा जी से, राजू चंदा मैडम से, हम लोग तो अम्मा से तो वही के लिए तो हम लोग अम्मा से जुड़े हैं, है तो ये हमारा महिला लोग के लिए कुटीर उद्यक्ष हमको खोल के दे दे तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगा हमारा के लिए, क्योंकि महिला दूसरे महिला जाकर के प्लांट में काम करने के लिए जाते हैं, 120 रुपया रोजी कमाते हैं, उसमें कोई घर का भरपाई नहीं हो पाता है, बच्चे लोग को अच्छा शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हम लोग को एक कुटीर उद्यक्ष खोल के देंगे तो ठीक रहेगा। और बाल विकास भी हमारा में कुछ है नहीं है, और एक है कि महिला मीटिंग के लिए भवन एक नहीं है, और महिला लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रहा, यही हम लोग को अम्मा से चाहते हैं। सुशीला देवी, मैं बालाजी नगर से, मैं महिलाओं के लिए हम लोग 700 महिलाएं का संगठन बनाए हैं सर, लेकिन हमें अभी भी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है यहाँ से, ना तो हमें बाल विकास का सुविधा है और ना तो हमें भवन का सुविधा है और ना तो कोई महिलाओं को कोई कुटीर उद्योग का सुविधा है यहाँ पे। हम महिला अम्मा से जुड़े हैं चंदा अम्मा से, तो हमारे को ये सुविधा देने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे महिलाओं के लिए ये सब सुविधा मिलनी चाहिए।
और हमारे जो बच्चे लोग उनकी शादी उदी के लिए भी रहता है, सरकार से कुछ पैसा योजनाएं आती है लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है हमें वहाँ तक नहीं, जो गरीब आदमी है हम कहाँ से बच्चे लोग उनका शादी कर पाएंगे, इसलिए हमें बहुत असमर्थ है कि हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए। बहरहाल महिला उत्थान को लेकर महिलाओं का संघर्ष जारी है, इन्होंने सफलता मिलने तक संघर्ष जारी रखे जाने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।